यूं तो फिल्म जगत में कई बड़े बड़े कलाकार हुए, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्हें हीरो के नहीं बल्कि विलन के किरदार के लिए जाना जाता है। उनका नाम है प्राण कृष्ण सिकन, जिन्होंने अपने किरदारों को कुछ इस तरह जिया कि वो आज भी हमारे जहन में है। प्राण को अपने नकारात्मक किरदारों की वजह से काफी प्रसिद्धि मिली। 1940 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले प्राण अपने 60 साल के करियर में काफी सारे सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। जिस देश में गंगा बहती है, शही, उपकार, जॉनी मेरा नाम, राम और श्याम, अमर अकबर एंथनी जैसी न जाने कितने सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके प्राण को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों में उनका योगदान काफी बड़ा है। प्राण कृष्ण सिकन का जन्म 12 फरवरी 1920 में दिल्ली में हुआ था। वो एक पंजाबी परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकन था और वो पेशे से सरकारी ठेकेदार थे। प्राण की माता का नाम रामेश्वरी था। प्राण के पिता के बार बार तबादला होने के कारण उनकी पढ़ाई कपूरथला, देहरादून, मेरठ और रामपुर में पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक फोटोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। बंटवारे के समय वे आज के पाकिस्तान में स्थित लाहौर से भारत लौट आए थे। शुरुआत में प्राण को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1940 में बनी एक पंजाबी फिल्म यमला जट से की थी, जिसमें एक्ट्रेस नूरजहां को उनके साथ मुख्य भूमिका में देखा गया था। 1941 में प्राण चौधरी और खजांकी जैसे फिल्मों की छोटे छोटे किरदार निभाते नजर आए थे। 1942 में जाकर प्राण को पहली हिंदी फिल्म खानदान मिली, जिसमें उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का रोल मिला था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। 1942 से 1946 के बीच में प्राण को कैसा खून और खामोश निगाहें सहित 22 फिल्मों में अपना अभिनय दिखाने का मौका मिल चुका था। 1947 में विभाजन के कारण प्राण के करियर को कुछ समय के विराम लग गया था, जिसके बाद वो लाहौर छोड़ बंबई आ गए थे। भले ही प्राण को शुरुआती करियर में परेशानी हुई हो, लेकिन साल 1948 में आखिरकार अपनी कला सिल्वर स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरती से उतारने का अवसर मिल गया। उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में एक विलन का रोल निभाने का मौका मिला, जिससे उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। इस फिल्म के मुख्य किरदार में देवानंद और कामिनी कौशल थे। प्राण को इस किरदार से काफी लोकप्रियता मिली। इसके बाद प्राण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके फिल्मी करियर ने तो जैसे स्पीड ही पकड़ ली ही। फिल्म जिद्दी के सफल होते ही उन्हें तीन फिल्में गृहस्थी, अपराधी और पुतली भी मिल गई। अब प्राण को जितने भी किरदारों के लिए चुना जाता था वह अक्सर नकारात्मक ही होते थे। उनकी जोड़ी अक्सर देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ देखने को मिलती थी। 1950 से 1960 के दशक की बात करें तो प्राण ने कई फिल्में जैसे कि मधुमति, आजाद, देवदास, आदमी, छलिया, दिल दिया दर्द लिया, आह और उपकार जैसी न जाने कितने फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का दिल जीता। 1970 से 1982 तक प्राण काफी पसंद किए जाने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता था। 1960 के दशक में उन्होंने शम्मी कपूर और जॉय मुखर्जी की बहुत सी फिल्मों में बतौर विलेन काम किया। कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी और राजकुमार कुछ ऐसी ही फिल्में हैं। 1972 में फिल्म जंगल में मंगल, 1973 में धर्म और 1978 में फिल्म राहु केतु में मुख्य भूमिका निभाई। प्राण ने राजेश खन्ना के साथ कुछ 5 फिल्में की। 1973 में प्राण और अमिताभ फिल्म जंजीर में साथ नजर आए और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में प्राण का रोल कुछ पॉजिटिव था। इस समय तक प्राण ने चरित्र किरदार निभाने शुरू कर दिए। अमर अकबर एंथोनी, उपकार और कर्ज जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत से पॉजिटिव किरदार निभाए। अपने पूरी फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। साल 1988 में प्राण को पहला दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो फिल्मों में दिखना कम हो गए और 12 जुलाई 2013 में उनका देहांत हो गया। प्राण ने 1945 में शुक्ला अलूवालिया से शादी की थी। प्राण के 2 बेटे अरविंद सिकन और सुनील सिकन हुए
और एक बेटी पिंकी सिकंद हुई। प्राण कृष्ण सिकंद ऑन स्क्रीन अपने किरदार में जितने कठोर थे, अपने निजी जीवन में वो उतने ही उदार थे। प्राण अपने हाव भाव और एक्टिंग से पर्दे पर कुछ ऐसा प्रभाव पैदा करते थे कि लोग उन्हें सच में बुरा आदमी मानने लग जाते थे। जिस दौर में उनकी खलनायकी की अपने चरम पर थी, लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था। उस दौर में पैदा हुए शायद ही किसी बच्चे का नाम प्राण रखा गया था। प्राण की फिल्मों में एक और खास बात हुआ करती थी। फिल्म की शुरुआत में आने वाले एक्टर्स के नामों में प्राण साहब का नाम सबसे आखिरी में दिखाया जाता था, वो भी एक विशेष अंदाज में। सभी कलाकारों के नाम आ जाने के बाद उनका नाम एंड प्राण लिखकर दिखाया जाता था। शायद इसके जरिए एक संदेश यह भी होता था कि इस खलनायक की अहमियत फिल्म में नायक से कम नहीं है। प्राण कृष्ण सिकंद को अपने अभिनय के बलबूते पर 30 से भी अधिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में प्राण को विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड स्टारडस्ट की ओर से दिया गया था। हिंदी सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्मभूषण अवार्ड और 2013 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।